एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास फर्स्ट मेरी गोल्ड से एक पोएट्री जिसका नाम है फ्लाईमैन, यानी कि उड़ने वाला व्यक्ति। तो ये कविता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि उड़ सकता है ना। और उसको जब एक बच्चा उड़ते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि तुम दूर कहीं उड़कर आकाश में आखिर कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो आपने देखा होगा कार्टून में, मूवीज में स्पाइडरमैन को, सुपरमैन को, या और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उड़ सकते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह का व्यक्ति है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग सी पोएम को। फ्लाईमैन फ्लाईमैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है जब वो उड़ने वाले व्यक्ति को देखता है तो उससे कहता है कि उड़ने वाले व्यक्ति आखिर तुम दूर ऊपर आकाश में उड़कर कहाँ जा रहे हो, इतना ऊंचा उड़कर कहाँ जा रहे हो। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाईमैन फ्लाईमैन खांचे मी। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है उसको उड़ते हुए देखता है तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी दूर कहीं आकाश में उड़ सकूं उस स्पाइडरमैन की तरह। तो वो उससे कहता है, बच्चा है वो फ्लाईमैन से यानी कि उड़ने वाले व्यक्ति से कहता है कि आप मुझे भी अपने साथ पहाड़ों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर, दूर कहीं जहाँ जहाँ आप जाते हो ऊपर आकाश में उड़कर, वहाँ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो मैं भी उड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर ऊपर उड़कर हवा में, जब आप बहुत ऊपर होते हो आकाश में, तो धरती कैसी लगती है, सब कुछ कैसा नजर आता है। तो उसी जिज्ञासा को ये जो छोटा बच्चा है इस फ्लाईमैन के सामने रख रहा है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। वेयर डज द फ्लाईमैन गो, जो फ्लाईमैन है आखिर वो उड़कर कहाँ जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो द फ्लाईमैन गोज टू अप इन द स्काई, है ना। व्हाट डज द चाइल्ड वांट्स टू डू, तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है आखिर वो क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द चाइल्ड वांट्स टू फ्लाई अप इन द स्काई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, है ना। सो आई होप कि आपको जो पोएट्री है, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।